हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्यूरिसप्रूडेंस के अपने टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने काफी कुछ डेटा इस डिस्कस किया, तो अब बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे पार्ट टू में। सो लेट गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। सो अब हम देखते हैं कि व्हेन कैन बी प्रेगनेंसीज टर्मिनेटेड। कि अब ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि नहीं, हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर ही नहीं सकते, अबॉर्शन को हम कर ही नहीं सकते। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना लीगल होता है, लीगल तरीके से गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा लीगल अबॉर्शन है वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लीगली तरीके से हमारी प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आर एम पी शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द लॉ अप टू द 20 वीक गेस्टेशन विद इन द कंसेंट ऑफ द वुमेन इफ द वुमेन इज बिलो द 18 ईयर इज द मेंटली इल व्हेन विद द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। क्या होता है कि जो भी आर एम पी का मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उसके अकॉर्डिंगली अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डायग्नोज किया जाता है कि जो भी हमारी प्रेगनेंसी है उसकी तो वैसे तो 12 वीक का होता है कि 12 वीक हमारा जो टाइम पीरियड है कि अगर 12 वीक के पहले हमारा जो फिटस का डेवलपमेंट है उसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं इजली तरीके से। लेकिन फिर भी अगर 20 वीक जो है हमारी प्रेगनेंसी का टाइमिंग है कि बिफोर अगर 20 वीक है तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर इसके बाद की प्रेगनेंसी है तो हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये होता है कि अगर इतने बड़े फीटस को बॉडी से रिमूव किया जाएगा, अब वो चाहे सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू हो या फिर मेडिसिनल प्रोसेस के थ्रू हो, तो वुमेन की हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुँचता है और हम किसी की भी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उस केसेस में जो है हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते अगर जो हमारा फिटस का डेवलपमेंट जो हुआ है वो 20 वीक से बिलो है, तभी हम अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, एबॉर्शन को कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते तो ये हमारा लीगली तरीके से होगा। इसके बाद भी हम देखते हैं कि जो भी हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी कोई लेडी है, कोई फीमेल है, अगर वो बिलो 18 एज से है और उस कंडीशन में उसकी मेंटली हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, अगर ऐसा कोई रीज़न है कि कोई बिलो 18 है, कम एज की है, अंडर एज है और उसको प्रेगनेंसी किसी भी रीज़न से अगर अराइज हो गई है और मेंटली इल है या फिर, तो भी हम उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं, वो हमें गवर्नमेंट ने उसके लिए परमिशन दी है। विद द ओपिनियन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फ्रॉम द गुड फेथ सर्टेन एंड सर्कमस्टेंसेस। क्या है कि जो भी हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ों को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं और इसके बाद देख रहे हैं कि जो भी हमारी वुमेन है उनकी हेल्थ पे ज़्यादा कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, कोई खराबी ना आ जाए उनकी मेंटल हेल्थ पे या फिर फिजिकल हेल्थ पे, कुछ ऐसा असर हमें देखने को ना मिले। ओपिनियन ऑफ द 2 RMPs रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी 12 वीक एंड 20 वीक्स। अब क्या है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हमने तो रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लिए, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस देख ली जिसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर आप लीगली तरीके से अबॉर्शन करा रहे हैं तो उसमें हमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायर्ड होती है। जब 2 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन एकदम सेम तरीके से होगा तभी किसी भी प्रेगनेंसी को जो है वो लीगली तरीके से हमें टर्मिनेट करने की परमिशन है। अब हम एप्लीकेशन की बात करें तो रिस्क ऑफ द लाइफ टू ग्रेव द इंजरी द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन। कि अगर हम बात करें कि हमने मेडिकल एंड अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट जो बनाया है तो उसका एप्लीकेशन क्या था, तो यू नो स्टूडेंट्स अबाउट अ वेरिएबल कि कोई भी नियम कानून तभी बनाया जाता है जब हमें किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना होता है, उस लॉस से हमें बचना होता है। तो उसी तरीके से जो वुमेन थी उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को हम सेफ रख सकें, ज़्यादा उसमें नुकसान ना पहुँचे, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़रूरी था तो मेडिकल एंड प्रेगनेंसी एक्ट को हमने बनाया था। सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज टू द फीटस रेंडर इट द सीरियसली हैंडीकैप। अगर हम देखते हैं कि कोई भी हमारा फीटस का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किसी
किसी भी तरीके की जो हमारा बेबी ग्रो कर रहा है उसमें कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हो गई है, कोई हैंडीकेप हो गया है बेबी हमारा, या किसी भी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब हो गई है, या फिर कोई ऐसी सीरियस इंजरी है जो कि हमारे बेबी के लिए हार्मफुल है, और ऐसे बच्चे दुनिया में आते हैं तो आपको भी पता है कि वो उतना शायद हमें प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, या उनके प्रति एक सिंपैथी की भावना दिखाते हैं जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। तो अगर उनमें से कोई रीज़न है कि जो हमारा फीटल डेवलपमेंट है उस बेबी की कोई मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही है या फिर कोई फिजिकल चैलेंजेस आ गए हैं, वो हैंडीकैप हो गया है, तो भी हम ऐसे बच्चे को इजली तरीके से अबॉर्ट कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो उसका अबॉर्शन करना हमारा एक लीगल है। फिर है प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय द रेप। अब क्या है कि आपको भी पता है कि रेप एक बहुत बड़ा क्राइम है, और रेप की वजह से ना जाने कितने लोगों को ऐसा देखने को पड़ता है, ऐसा चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो कि कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो अगर रेप के रीज़न से प्रेगनेंसी अराइज्ड हो गई है तो उस कंडीशन में अगर माँ नहीं चाहती है अपने बेबी को, रेप की कंडीशन के बाद यदि कोई लड़की है, कोई वुमेन है, वो माँ बनती है, वो अपने बेबी को नहीं चाहती है, तो उस कंडीशन में भी हम बेबी को टर्मिनेट कर सकते हैं, एबॉर्शन को करा सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर इन अ मैरिड कपल प्रिजम्ड ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ। अब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव या प्रकॉशन वो भी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपनी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, अब वो अपना तरीके से काम नहीं कर पा रही, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज या मेडिसिन को जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था और उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया और प्रेगनेंसी अराइज हो गई, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रेगनेंसी हुई है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ये थे हमारे एप्लीकेशन मेडिकल एंड टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के रूल क्या थे, कि अब हम क्या क्या कवर करते हैं, कि जो भी मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड द प्रोवाइडर्स की एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, जो भी हम प्रेगनेंसी एक्ट को टर्मिनेट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस एंड ट्रेन पर्सन होना चाहिए हमारे पास, अप्रूवल होना चाहिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो एक्ट के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो हमें हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उसके पास एक जो अथॉरिटी है, उसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। जिस भी जगह पर हम अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने जा रहे हैं वो हॉस्पिटल, वो जगह जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन है, उसी जगह पे हम अपने प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट करा सकते हैं, तो उसका इंस्पेक्शन क्या हो सकता है, ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन उसको कर सकता है, उसके लिए अब मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का लाइसेंस है, परमिशन है, और इस चीज़ का जिन्हें एक्सपीरियंस है, वही जो डॉक्टर्स हैं वही इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि अपनी मर्जी का कोई भी डॉक्टर, कोई भी दाई या कोई भी सुटेबल पर्सन हमने ले लिया जिसे भी नॉलेज है और उसके थ्रू प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दे, तो ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है और वो हमारा इलीगल में आ जाएगा। लीगली अगर आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है तो उसके लिए जो वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस होल्डर और रजिस्टर्ड पर्सन है उसी के थ्रू आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। तो हु हैज रिकॉग्नाइज द मेडिकल क्वालिफिकेशन एंड डिफाइंड द क्लॉज इन द सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग 1956। अब 1956 इंडियन मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंग जिन पर्सन के पास मेडिकल की क्वालिफिकेशन है वही हमारे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है। हु नेम हैज बीन इंटर टू द स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड, जिनका स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड के रजिस्ट्रेशन हो वो पर्सन, एंड हु हैज सच एज द एक्सपीरियंस इन द गायनकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिक्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब बाय द रूल अंडर द एक्ट। क्या है कि अब जो हमारा मेडिकल रजिस्टर्ड पर्सन है उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास परमिशन है, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने गायनकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिक्स के अंडर में काम किया हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, वही लोग हमारे मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं।
अप्रूवल ऑफ प्लेस क्या होता है कि जहाँ पे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी गाइडलाइन ये है कि 12 वीक से ज़्यादा की हमारी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए टर्मिनेशन के टाइम पे। फिर भी कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि हम 20 वीक्स का भी परमिशन देते हैं, अदरवाइज 12 वीक बिलो होनी चाहिए, 12 वीक से अब नहीं जानी चाहिए। गाइनकोलॉजी एग्जामिनेशन लेबर टेबल, अब क्या जो भी हमारे गाइनकोलॉजिस्ट हैं उनके एग्जामिनेशन होना चाहिए। स्टरलाइजेशन, जो हमारे इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होने चाहिए। यू नो एवरीवन, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी जब भी हम अपना सिजेरियन वर्क करने जा रहे होते हैं तो हमें हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है और स्टरलाइजेशन के प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन एंड रेगुलेट करना होता है। तो जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करने जा रहे हैं वो प्रॉपरली तरीके से एकदम हाइजीन होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए एंड प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी कंटेमिनेशन हमारे उन इंस्ट्रूमेंट में या जो भी हम मशीनरी यूज़ करने जा रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। ड्रग एंड पेरेंटल फ्लूड्स प्रॉपरली हमें अवेलेबल होने चाहिए। बैक ऑफ फैसिलिटीज़ टू द ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक, जो भी हम शॉक के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बैकअप फैसिलिटीज़ भी होनी ही चाहिए। फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन की नीड भी पड़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए कि जब भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो जो भी हमारी गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के हिसाब से, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमारे पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर द साइट ऑफ द 20 वीक फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर का क्या रूल था, ऑल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर अप टू द 12 वीक एंड ऑपरेशन टेबल इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मिंग द एब्डोमिनल एंड गायनकोलॉजिकल सर्जरी एनेस्थेटिक इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्शन इक्विपमेंट एंड स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट। अब क्या है, जो भी हम अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है तो हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारी रिक्वायर्ड होना है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक की के कम ही हो, 12 वीक से। फिर जो भी हमारी ऑपरेशन टेबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसमें हम परफॉर्म करेंगे एब्डोमिनल या फिर गायनकोलॉजिकल सर्जरीज करने जा रहे हैं, एनेस्थेटिक और उससे रिलेटेड जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं, रिस्ट्रिक्शन इक्विपमेंट्स हैं, स्टरलाइजेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। जो भी हमें ड्रग्स देने हैं, कुछ फ्लूड्स देने हैं, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के पहले जो एनेस्थीसिया देना है, तो सभी तरीके की जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हमारी एक लिस्ट है वो हमारे पास एकदम पूरी फुलफिल होनी चाहिए। सो अब अप्रूवल के प्रोसेस क्या होते हैं, एप्लीकेशन हमने देख ली और अप्रूवल के बारे में अब हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन इन द फॉर्म टू बी एड्रेस टू द CHMOs बाय प्लेस सीकिंग द अप्रूवल, कि जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है तो हमारे पास प्रॉपरली एक रिटन फॉर्म में डेटा होना चाहिए, जो भी उस हॉस्पिटल के CHMOs वगैरह उनके थ्रू वेरीफाई होना चाहिए। इंस्पेक्शन प्लेस टू द सेफ्टी एंड टर्मिनेशन कैन बी डन अंडर द सेफ एंड हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि जो भी प्रेगनेंसी है उसको हम अगर टर्मिनेट करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक रिटर्न प्रूफ है और साथ ही साथ वो प्लेस वो प्रैक्टिशनर्स भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जिसके पास इसकी अथॉरिटी है और जहां पे इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है वो पर्टिकुलर एरिया हमारा एकदम प्रॉपरली हाइजीनिक होना चाहिए, प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग टू ऑपरेशन किसी भी तरीके का अलग से कोई कंटामिनेशन वगैरह ना आए जो कि बॉडी में जा करके कोई दूसरी तरीके की फर्दर हमारी डिजीज कॉज कर दे। CHMOs रिकमेंडेशन अप्रूवल टू द कमेटी और CHMOs के थ्रू जो कमेटीज बनाई हुई है उसके थ्रू हमारे पास अप्रूवल भी होना चाहिए। कमेटी कंसिडर्ड एप्लीकेशन रिकमेंडेशन अप्रूवल एंड इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल फॉर्म बी। अब इसके हिसाब से जो भी फॉर्म वगैरह आते हैं फॉर्म बी अप्रूवल होता है उनमें कमेटी जो भी डिसाइड करती है, जो भी एप्लीकेशन होती है, जो भी रिकमेंडेशन होती है, अप्रूवल के जो भी इश्यूज होते हैं वो सर्टिफिकेट अप्रूवल्स हमारे पास होने चाहिए और उसी के बाद ही हम डॉक्यूमेंटेशन के बाद का जो भी प्रोसेस है करने के बाद ही हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को जो है वो कर सकते हैं। सो यही होते हैं हमारे MTP रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होते हैं, पावर ऑफ द स्टेट मेक द रेगुलेशन रिगार्डिंग द MTP सर्विसेज, रेगुलेशन ऑफ द यूनियन टेररिज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन
अब इंस्पेक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो भी मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को टर्मिनेट करने जा रहे हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने जा रहे हैं, तो वहाँ की जो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ें हमें बताई गई हैं वो सब प्रॉपरली हैं या नहीं, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन है या नहीं है, ये सब इंस्पेक्शन के थ्रू चेक किया जाता है। कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन साइज इन केस फाउंड ऑफ द अदरवाइज, जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम उनको इंस्पेक्शन के थ्रू चेक करने के बाद ही इस चीज़ का परमिशन देते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे जाकर के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हमारे ये यूजफुल है या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में जो कि आज हमने पढ़ा, तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।